हाँ जी सर, हुण आपां जिहड़ा इहदे पंजवें सैट दे बारे गल करांगे। पंजवें सैट दे विच साडे कोले अखर आ जांदे आ, तीन अखर ईडी टैंका ते फफा। इहदे विच की आ, ईडी दे विच आह लाइन आ जिहड़ी इह लगभग 40% दे उत्ते हुंदी आ। उदू बाद दे विच असीं इत्थों गोलाई दिंदे होए इस बिंदू ते ठहराओ करदे आ। ठहराओ करन उपरांत इत्थे वी गोलाई ते आह उभार वाली लाइन जिहड़ी हुंदी आ। आपां बोर्ड दे उत्ते देखदे आ जी किस तरां आपां पावांगे। साढ़े कोले इहे पंजवां सैट शुरू हो गया जी। हाँ जी, पंजवें सैट दे विच पहला अखर साढ़े कोले आ गया जी ईडी। आह असी लेटवें दा लाइन लगा ली जी। लेटवें दा लाइन लगाउण उपरंत इत्थों असी 90 डिग्री दे उत्ते थले आवांगे, लगभग 40% अध नालों एक बिंदु उत्ते। ਇਹ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਦੋ ਬਿੰਦੂ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਖਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਕਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਠਹਿਰਾਓ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇੱਥੇ ਗੋਲਾਈ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। आह पॉइंट ते आह पॉइंट लगभग एक ही सेध दे विच, तां इत्थों हल्की जिही उभार वाली करव हुंदी आ इत्थे मिला दिंदे आ। इह साडे कोले बण गया अखर ईडी। ईडी तों बाद दे विच आपां अगले अखर की गल करदे आ, अखर टैंका दी जी। अखर टैंका दे विच की हैगा, थोड़ी जी चेंज हैगी इहदे विच। आह रेखा जिहड़ी हैगी आ ईडी दे विच, आह रेखा असीं 40% लै के आए सी, टैंका दे विच आह रेखा 30% ईडी नालों छोटी, बस आही फर्क हैगा। तो यदि ज़्यादातर स्लोप थले नूं हुंदी है, उहदे तों बाद दे विच थले हेठले पासे गुलाई पा दिंदे आ। अखर टैंका बोर्ड दे उत्ते आपां देखदे आ टैंका अखर किस तरह बनावांगे जी। आह लेटवें दा रेखा लगा ली जी असीं। इत्थों आह लगभग 30% 30-35% रेखा लगाउण, ईडी नालों छोटी। ईडी ते आह रेखा सी वड्डी लगाई सीगी। इत्थों फिर करव वाली स्लोप लगभग थले नूं आउंदी है जी, अध नालों हेठले पासे नूं आउंदे होए इत्थों असी फिर प्रॉपर आ जिहड़ी उह गोलाई दे दांगे। तां इह बण गया साडे कोल अखर टैंका। आह पॉइंट लगभग एक ही सेध दे विच हुंदे आ। इहदे तों बाद दे विच इसे सैट दे अगले अखर बारे गल करदे आ जी, अखर फफा दे बारे। फफा अखर दे विच आह रेखा सीधी जी, सीधी रेखा। आह रेखा फिर टैंके वांगू लगभग 30% 25-30% इत्थों पैरलल चले। इत्थों फिर गोलाई दिंदे होए असीं थले नूं आ के इत्थे अख जिहड़ी उह वड्डी बणदी आ। आह गोलाई बिल्कुल गोल नहीं करदे, इह आपां बोर्ड दे उत्ते देखदे आं किस तरह करांगे इहनूं आपां। तां आह लेटवें दा लाइन लगा ली जी असीं। लेटवें दा लाइन लगाउण उपरंत इत्थों लगभग 30% दे उत्ते 90 डिग्री दे उत्ते थले नूं आए। इत्थों असीं इस उपरली लाइन दे पैरलल चलांगे जी। पैरलल चलदे होए जे अखर दी चौड़ाई अंदाजे अनुसार बनाउने असीं। इत्थों फिर आह गोलाई दिंदे होए थले नूं आ गए। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ, ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹੀ ਸੇਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਹ ਗੋਲਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਤਰ ਗਲਤ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਵੈਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆਊਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੈੱਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰ ਸਿੱਖੇ ईडी टैंका ते फफा। तो यह वीडियो मूवी देख के तुसी जो अपनी सेवा का मौका दिता, इसलिए तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद।